नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये जो आरओ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल डेड कंडीशन में आया है, बिल्कुल ख़त्म हो गया था ये। इसका पंप, फिल्टर, मेम्ब्रेन, एसएमपीएस सब के सब जल गए थे। दोस्तों अब हम इस आरओ को कम से कम लागत में फिर से नया बनाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर आप भी आरओ असेंबलिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले ये मैंने लैक्स प्योर का एक पंप जो है 80 GPD का एक मैंने पंप लगा दिया है, और इसके साथ ही हम सेडिमेंट, कार्बन फिल्टर, मेम्ब्रेन सब के सब जो हैं इसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लगाया है सेडिमेंट फिल्टर, इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद में ये लगाया मैंने कार्बन फिल्टर। और दोस्तों मैं जितने भी आरओ तैयार करता हूँ उसमें सब मैं लैक्स प्योर के ही फिल्टर और मेम्ब्रेन वगैरह यूज करता हूँ। और सबसे पहले जो सेडिमेंट फिल्टर है इसको मैं इनलेट पाइप से जोड़ देता हूँ। सबसे पहले जो पानी आएगा वो अपने सेडिमेंट फिल्टर में आएगा, और सेडिमेंट फिल्टर का आउट सिरा जो होगा उसको मैं कार्बन फिल्टर से जोड़ देता हूँ। ये कार्बन फिल्टर से मैंने जोड़ दिया है, और अब जो कार्बन फिल्टर का आउट जो सिरा होगा उसको मैं जोड़ दूंगा एसवी वाल्व में, जिसको आप सोलेनोइड वाल्व भी बोलते हैं, इसमें जोड़ दूंगा। और एसवी वाल्व से जो आउट उठाएगा पाइप वो अपन जोड़ेंगे पाइप में, पंप में, पंप के इन साइड के इस हिस्से में अपन इस पाइप को जोड़ देंगे। इस पाइप को थोड़ा सा दबा के प्रेस करें आप, अन्यथा हल्का लूज रह जाएगा तो इसमें पानी निकलता रहेगा। फिर अब ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की हाउजिंग है अपने पास, और मेम्ब्रेन हाउजिंग में दो रिंग होते हैं, दोनों रिंगों के आप लगाएं और इसमें ये मेम्ब्रेन डालेंगे। और मेम्ब्रेन भी मैं लक्स प्योर की ही यूज करता हूँ। ये दोनों रिंग इसमें डाली हैं। सबसे पहले मेम्ब्रेन को हाउजिंग में सेट कर लेते हैं। अच्छे से सेट कर लिया है मैंने, अच्छे से इसको प्रेस करके थोड़ा घुमा के इसको सेट करना है इसके ऊपर। ये रिंग अच्छे से लगा लेंगे, दो रिंग होती हैं इसमें, दोनों लगानी है आपको। एक ये ढक्कन में होती है इसको, और ये दोनों को अच्छी तरह से लगा के और हाउजिंग के हब को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इसके बाद में जो पंप का आउट सिरा जो होता है वो मेम्ब्रेन के इन साइड में जोड़ देंगे। ये मैंने मेम्ब्रेन को पंप के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों बीच में एक एल्बो लगाने से जो है लीकेज होने की संभावना कम हो जाती है। ये जो आप साइड में देख रहे हैं मेम्ब्रेन हाउजिंग के, ये जो डर्टी वाटर होता है, गंदा पानी निकलता है उसके लिए, और ये बीच में जो होता है ये आपके मिनरल वाटर के लिए होता है, जो पीने योग्य पानी होता है उसके लिए बीच वाला हिस्सा काम में लिया जाता है। कई नए टेक्नीशियन होते हैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है अपना मिनरल फिल्टर, इसको भी अपन इस आरओ में ऐड करने वाले हैं। ये हाउजिंग का बीच वाला जो पाइप होगा, ये पीने वाला पानी होगा, इसको अपन मिनरल जो फिल्टर है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, और ये एल्बो बीच में लगाने से यही है बस, नए भी आप चाहें तो नए भी लगाएं, लेकिन ये है लीकेज होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। और ये मिनरल जो फिल्टर होता है उसका आउटसाइड, इसको अपन यूवी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये यूवी के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यूवी का आउट सिरा जो होगा वो अपन इस पानी वाला जो टैंक होता है उसमें छोड़ देंगे। ये पीने वाला पानी है जो टंकी में छोड़ दिया जाएगा। ये तो था दोस्तों जितने भी फिल्टर और मेम्ब्रेन के कनेक्शन, सबसे पहले सेडिमेंट, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में एसवी पंप,
मेम्ब्रेन और मिनरल और यूवी। अब आते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए सबसे पहले मेन लीड जो है वो मैं ले लेता हूँ और SMPS को न्यूट्रल कनेक्ट कर देता हूँ और इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं कैप। अब आप ये देख पा रहे होंगे जो फ्लोट स्विच होता है ये SMPS को जो मेन सप्लाई जाएगी फेज, ये बीच में से मैंने कट कर लिया है और ये आप देख पा रहे होंगे ये फ्लोट स्विच है। तो फ्लोट स्विच के दो वायर होंगे और ये जो मेन सप्लाई है इसकी सीरीज में जोड़ देंगे, मतलब अगर सीरीज आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे करें कि ऐसे मेन सप्लाई का वायर जो है रेड वायर उसको बीच में से काटें और एक साइड में फ्लोट स्विच एक साइड में जोड़ दें, दूसरा वायर दूसरी साइड में जोड़ दें। मतलब ये काम करेगा जैसे ही आपका मेन टैंक जो है पानी का वो भरेगा और भरते ही ये मेन सप्लाई को कट कर देगा ताकि आपका SMPS वगैरह में सप्लाई न रहे और पंप बेवजह ना ऑपरेट हो। अब आपका SV वाल और पंप दोनों के पॉजिटिव और SMPS का पॉजिटिव तीनों वायर एक जगह करके इस पर भी चाहो तो टेप या कैप लगा सकते हैं। तो मेरे पास कैप है तो मैं कैप ही लगाना बेहतर समझता हूँ ताकि समय बच जाता है। और ये SV और पंप और SMPS का पॉजिटिव एक जगह कनेक्ट करके इनके भी ऊपर कैप लगा देता हूँ। और जो आपकी UV होती है उसको चाहें तो यहीं से 24 वोल्टेज दे दें, अन्यथा अलग से SMPS भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहीं पे दे दिया था क्योंकि पीछे जो SV लगा हुआ है वहीं पे UV के कनेक्शन मैंने कर दिए थे ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया है। साइड में इनलेट और आउटलेट के पाइप लगाने हैं। दोस्तों ये RO अपना बन के कम्प्लीट तैयार है। वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।